हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो सी प्रोग्रामिंग की आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर, टेस्टिंग, डीबगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं और आने वाले दिनों में कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो ये है ओ लेवल सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस और इसका सब्जेक्ट कोड होता है N3R4 और इसका सब्जेक्ट नेम होता है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आज डिस्कस कर चुके हैं, आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस होंगी उनमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसमें कल की डेट में हमने जो कल की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो बेसिक मॉडल्स, कंप्यूटेशन, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंपाइलेशन, लिंकर एंड लोडर, टेस्टिंग, डिबगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। और इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके एल्गोरिथम हमें लिखने हैं और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी एल्गोरिथम कैसे लिखी जाती है। इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आज के जो भी टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये क्या होता है इसको हम कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। एक प्रोग्रामिंग भाषा प्रोग्राम को व्यक्त करने के लिए शब्दावली और व्याकरण संबंधी नियमों का एक सेट होता है। तो इसको अच्छी तरीके समझिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी, उसमें कुछ शब्द होते हैं, मीन्स कुछ वर्ड्स होते हैं और उसमें कुछ व्याकरण्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर के व्यवहार को नियंत्रित करता है। मीन्स कंप्यूटर के थ्रू आप कोई भी काम करना चाहेंगे तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो हम प्रोग्राम यूज करते हैं उसको किसी एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया होता है। आगे एक पॉइंट है, तथा मानव और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस को सक्षम बनाता है। तो अगर आप मशीन को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है एक इंटरफेस, और वो इंटरफेस डेवलप किया जाता है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसके लिए हम कई अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं जिनको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट यहाँ में देखिए, ईच लैंग्वेज हैज अ यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होता है, सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं कुछ जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, जिसको पहले से इसके जो कंपाइलर्स होते हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं उनको हर एक वर्ड का मीनिंग पहले से पता रहता है। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सी प्रोग्रामिंग में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको हम किस यूज कर सकते हैं या फिर उन कीवर्ड्स का क्या काम होता है। तो हम जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला यहाँ पे स्पेशल सेंटेक्स। तो यहाँ पे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनका एक स्पेशल फॉर्मेट होता है। मीन्स जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपको सी में प्रोग्राम लिखना है तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर होगा, अगर आप जावा में प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होता है। तो ये होता है हमारा सिंटैक्स। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसी जिस लैंग्वेज में हमें प्रोग्राम लिखना है उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को या सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हमें कोड्स लिखना होता है, मीन्स प्रोग्राम लिखना होता है। और यहाँ पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको हम प्रोग्राम लिखने के लिए यूज करते हैं। मीन्स यहाँ पे जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स यूज करने होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस यूज करने होते हैं, और इन सब से मिलके जो बनता है वो होता है प्रोग्राम। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, एक कंप्यूटर जीरोस और वन की भाषा को समझता है। मीन्स हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, बाइनरी भाषा को समझता है, और जिसमें सिर्फ जीरो और वन होते हैं। जबकि प्रोग्रामर के लिए अंग्रेजी जैसी भाषा अधिक आसान होती है। तो अगर हम जीरो वन के फॉर्म में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा हमारे लिए उसको समझना, जबकि मशीन के लिए वो काफ़ी सिंपल है क्योंकि उसको सिर्फ वो लैंग्वेज आती है जीरो और वन के फॉर्म में। और हमारे लिए जीरो और वन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि काफ़ी सारे जीरोज और वन से एक साथ लिख दिए जाएं तो उसमें से डिफरेंस करना ये पॉसिबल नहीं होगा कि किस पार्टिकुलर टॉपिक के लिए या किसी वर्ड के लिए कौन सा पैटर्न लिखा गया है जीरो वन का। तो ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज एक हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है जिसको हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट में यही बोला गया है, एक कंप्यूटर जीरोज और वन की भाषा को समझता है जबकि प्रोग्रामर के लिए अंग्रेजी जैसी भाषा अधिक आसान होती है। इट मीन्स हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को मोस्टली यूज करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, ताकि इजिली हमें समझ में आए, और उसके लिए हम कुछ ट्रांसलेटर यूज करते हैं।
जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी लेवल लैंग्वेज मींस 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजुअली रिफर टू हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ईटीसी। तो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से आता है कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। ये सब क्या है, हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप्स की होती है। तो जो एक जनरल डिवीजन किया गया है लैंग्वेज का वो है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज वो होती है जो 0-1 के फॉर्म में इसमें कोड लिखे जाते हैं, ये होता है हमारा मशीन लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज एक अलग तरीके की लैंग्वेज होती है, और मशीन लेवल असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं पे कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा लो लेवल लैंग्वेज, तो उसका मतलब होता है मशीन लैंग्वेज, जो कि हमारी हाई लेवल और मशीन लेवल लैंग्वेज की एक बीच की लैंग्वेज होती है, जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। और इसमें डायरेक्टली हम अपने प्रोसेसर पे काम करते हैं, और वहाँ पे डायरेक्टली असेंबली लेवल लैंग्वेज को हम यूज़ करके प्रोग्राम्स लिखते हैं, और वो प्रोग्राम्स हमारे जो प्रोसेसर होता है उस पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट होते हैं। और यहाँ पे जो ट्रांसलेटर यूज होता है वो होता है असेंबलर, जो कि हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज मीन्स 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके बाद एक तीसरी लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको मोस्टली प्रेफर किया जाता है कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ भी डेवलप करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो लैंग्वेजेस को तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो लैंग्वेजेस यूज होती थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, जो कि 0-1 के फॉर्म में था। सेकेंड जनरेशन की जो लैंग्वेज है वो हमारी असेंबली लैंग्वेज है, और असेंबली लैंग्वेज को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे एक यहाँ पे मूव एक इंस्ट्रक्शन हो गया ए कॉमा बी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू को अगर हमें बी में मूव करना है तो इस तरीके से लिखेंगे, और इसी तरीके से अगर हमें ऐड करना है तो हम लिखते हैं ऐड ए कॉमा बी, और इस तरीके से ए की वैल्यू बी के साथ ऐड हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ए इक्वल ए प्लस बी, और फाइनली जो हमारा रिजल्ट होगा वो ए के अंदर स्टोर होगा। तो ये हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो हमारा जो सेकंड जनरेशन है उसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज होता है, या फिर सेकंड जनरेशन की जो लैंग्वेज है वो हमारी असेंबली लैंग्वेज है। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप सी, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, एक्टिव एक्स, माइक्रोसॉफ्ट का जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारी लैंग्वेज हमारी थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ जनरेशन की, तो यहाँ पे डॉट नेट जो कि काफ़ी लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको हम वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए मोस्टली यूज करते हैं, और ये काफ़ी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसमें कई सब मॉड्यूल्स भी मिलते हैं, जैसे vb.net या csharp.net। तो यहाँ पे सी हैज आपको दिख रहा होगा, ये csharp.net इसको बोलते हैं etc, और ये .net के ही पैकेजेस होते हैं। इनमें दो अलग अलग तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं जिनमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं जिनको यूज किया जाता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, तो ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं, और ये सब फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन की, जो कि लिस्प एंड प्रोलॉग काफ़ी पॉपुलर हैं, और इनको मोस्टली AI एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है वो है लिस्प एंड प्रोलॉग। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो या तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है या फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज में होता है, क्योंकि हम कोई भी प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज मींस मशीन लेवल लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे जरूरत क्या होती है, जब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश में होती है, इसी तरीके से अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो भी इंग्लिश में ही सिंटैक्स होते हैं, तो इन सिंटैक्स को कंप्यूटर के लिए समझना आसान नहीं होता है, मींस वो बिल्कुल भी इन सारे सिंटैक्स को समझ नहीं सकता है, मींस इस प्रोग्राम को समझ नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, जो कि हमारा असेंबलर या कंपाइलर या इंटरप्रेटर में से हो सकता है कोई, और ये सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेंबलर की। जब कोई प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है और उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, मीन्स 0-1 के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने मूव ए कॉमा बी, और इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी लेवल लैंग्वेज में, मीन्स 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे असेंबलर। असेंबलर का काम होता है
असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में मींस 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना या फिर इसको ट्रांसलेट करना। ओके नीचे अब देखते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे जो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, ये सारी लैंग्वेज हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और इनको मशीन लेवल लैंग्वेज मीन्स 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों एक ही तरीके का काम करते हैं, बस इनका काम करने का तरीका अलग होता है जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जब आप कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है मीन्स 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर में से हम कोई एक यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा कंपाइलर होता है उसका काम करने का तरीका क्या होता है कि जैसे हमारा एक पूरा प्रोग्राम है और यहाँ पे काफी सारे लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे होल प्रोग्राम को रीड करेगा, इसमें जो भी एरर्स होंगे उसको फाइंड आउट करेगा, उसके बाद आपको नोटिफाई करेगा। जैसे आप इन सारे एरर्स को कंप्लीट करते हैं उसके बाद ये क्या करेगा, इस पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन लेवल लैंग्वेज मीन्स 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया हमारा कंपाइलर। इंटरप्रेटर भी यही काम करता है लेकिन इसका काम करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है, इस पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है मींस एक साथ रीड करता है और एक साथ इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को रीड करता है, इसमें एरर फाइंड आउट करता है, अगर कोई एरर नहीं है तो इसको डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, फिर ये नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा और इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या करता है, जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को या ब्लॉक बाय ब्लॉक कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज मीन्स 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे तीन ट्रांसलेटर हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिनको हम यूज करते हैं लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर, जबकि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं असेंबलर। ओके अब हम यहाँ पे बात करेंगे लिंकर एंड लोडर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो जैसे हम कोई यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं और इसमें काफी सारी लाइन्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2000 या 200 इस तरीके से कुछ लाइन्स हैं जिसका एक प्रोग्राम है। अब इस ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा इसको समझना। मान लीजिए एक कैलकुलेटर के लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं और इसमें कई तरीके की फंक्शनैलिटीज हमें देनी है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मैट्रिक्स के भी कुछ चीजें डाल देते हैं, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये भी हम इस कैलकुलेटर के अंदर रखना चाहते हैं। अब अगर हमें इस पूरे कैलकुलेटर के लिए जो कोडिंग करनी है तो वो काफ़ी सारी लाइंस होंगी, कई हज़ार लाइंस का एक कोड बन गया होगा और इसके बाद ही हमारा कैलकुलेटर तैयार होगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर कहीं पे किसी भी लाइन में कोई मिस्टेक होती है तो उसको इजिली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाएगा कि उसमें हम एरर फाइंड आउट करें। तो हमें क्या करना है कि इस कैलकुलेटर के अलग अलग कई मॉड्यूल्स को हमें बना लेना है। जैसे एडिशन के लिए एक अलग मॉड्यूल बनाते हैं, यहाँ पे कुछ कोड्स लिखते हैं जो एडिशन के लिए, फिर अगला कोड लिखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर अगला कोड लिखते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, डिवीजन के लिए होगा। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पे ऑपरेशंस हमें कैलकुलेटर के थ्रू करने हैं उन सब के लिए अलग अलग कोड का मॉड्यूल बना लेते हैं। तो अब लिंकर का काम क्या होगा, इन मॉड्यूल्स को जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इन मॉड्यूल्स को आपस में अटैच कर देगा ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो एक साथ रन हो और आपको एक कैलकुलेटर मिले जिसमें ये सारे फंक्शनलिटीज एक साथ रन कर रही हों। तो ये होता है लिंकर। लिंकर का यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने डेफिनेशन दिया है, लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट लिंक्स सेवरल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेवरल ऑब्जेक्ट्स, मॉड्यूल एंड लाइब्रेरीज टू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये लिंक करने का काम करता है, जैसा कि इसका नाम है लिंकर, तो ये कई अलग अलग मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज को आपस में लिंक करके एक सिंगल एग्जीक्यूट करने वाले प्रोग्राम के फॉर्म में बना देता है, कन्वर्ट कर देता है। ओके अब हम बात करेंगे यहाँ पे लोडर की। तो लोडर एक दूसरे तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। लोडर सॉफ्टवेयर इज यूज टू लोड एंड री लोकेट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स इन द मेन मेमोरी। अब अगर हमारा कोई प्रोग्राम हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है और उसको हम रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको सबसे पहले रैम में स्टोर करना होगा और ये काम करता है हमारा लोडर। लोडर क्या करता है, हार्ड डिस्क से उस प्रोग्राम को रैम पे कॉपी करेगा
और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड मेमोरी स्पेस है उसको रिजर्व करेगा। तो ये काम होता है लोडर का, और लोडर भी एक सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी लोडेड इनटू मेन मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है तो उसको पहले मेन मेमोरी में लोड करता है। लोडर असाइन स्टोरेज स्पेस, जैसा कि मैंने बताया कि इसको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस असाइन करता है टू द प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको मेन मेमोरी मीन्स रैम में एक स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रोग्राम इजिली एग्जीक्यूट हो पाए। तो ये हो गया हमारा लोडर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे टेस्टिंग। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये जरूरी हो जाता है कि उस प्रोग्राम को हम कई अलग अलग लेवल पे टेस्ट करें। तो टेस्टिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को अलग अलग पैरामीटर्स पे टेस्ट करते हैं। जैसे आपने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया तो आप कई सारी वैल्यूज को डाल के देखेंगे, चेक करेंगे कि वो एडिशन प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर किस लेवल पे जाके वो फेल हो रहा है। तो ये होता है हमारा टेस्टिंग। उसके बाद होता है डीबगिंग। अगर टेस्टिंग में हमें कहीं पे कोई बग मिल रहा है, मींस कोई एरर मिल रही है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं और उसको करेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं डीबगिंग। डीबगिंग में क्या होता है कि एरर्स को फाइंड आउट करना और फिर उसे करेक्ट करना, तो ये होता है हमारा डीबगिंग। अगला है डॉक्यूमेंटेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है, तो आप उससे ये समझ लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमें किस तरीके से ऑपरेट करना है। अगर वो यूज़र मैनुअल आपके पास नहीं कंपनी प्रोवाइड करती है तो उस केस में क्या होता है, उस प्रोडक्ट को यूज़ करना आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके काफ़ी सारे फीचर्स आप यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो इसी तरीके से जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि यूज़र अगर उसे यूज़ कर रहा है तो उसे भी हेल्प मिलती है, प्लस इन फ्यूचर अगर उस सॉफ्टवेयर में किसी भी तरीके का अपडेशन या मॉडिफिकेशन होना है तो ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट काफ़ी हेल्प करता है। तो हम जब प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ पे सी के जो एग्जांपल्स बताएंगे आपको, प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं उसको हम कमेंट्स में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे हर एक लाइन का मीनिंग लिखते हैं ताकि अगर उस प्रोग्राम को कोई दूसरा पर्सन रीड कर रहा है और उसमें कुछ अपडेशन करना चाह रहा है या मॉडिफिकेशन करना चाह रहा है या उसे समझना चाह रहा है तो उसको ये समझ में आए कि किस लाइन का क्या मतलब है और ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखी गई है। तो ये होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे थ्रू जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आप लोगों के लिए मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट की है www.gyanxp.com। आप यहां पे जाके अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं, यहां पे आपको काफ़ी सारा थियरी कंटेंट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ओ लेवल के लिए, और ट्रिपल सी के लिए ऑलरेडी मैंने पहले से काफ़ी कुछ अपलोड करके रखा है। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने वीडियोस के लिंक शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है और ये हमारा ट्विटर हैंडल है और यहाँ पे हमारा मेल आईडी है info@gmail.com। आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। ओके, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में हमारे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए ताकि ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ओके, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।